अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनानुल, आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हंटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, काफी सारे लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि भाई अब तो स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हो गई है, तो अब तुम्हारी वीडियो किधर है। तो मैंने कहा हम भी जरा बना लेते हैं वीडियो, ठहर जाओ, सब्र करो। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं किस किस स्मार्टफोन की प्राइस कम हुई है और क्या ये एक्चुअली प्राइस कम हुई है, सारे ब्रांड्स ने अपनी प्राइसेस को कम किया है या फिर कुछ स्पेसिफिक ब्रांड की प्राइसेस कम हुई है, और क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं, और ये जो डिस्काउंट है ये आपको किन किन स्मार्टफोन्स पे आगे चल के देखने को मिल सकते हैं, और क्या वाकई स्मार्टफोन जो प्राइसेस उनमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब इन सारी चीजों की तरफ जाने से पहले अगर आप फिर से वीडियो देख रहे हैं तो यार ये रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर किया हुआ लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले टैक्सेस की बात करूं तो यार काफी ज्यादा लोग समझ रहे थे कि एक्चुअल में जो स्मार्टफोन के प्राइसेस हैं अब उनमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बट इन एक्चुअल रियलिटी अगर आपको मैं आज के टाइम की रियलिटी बताता चलूं तो यार इस टाइम के ऊपर स्मार्टफोन की प्राइसेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड सैमसंग या कोई भी बड़ा ब्रांड की तरफ से इस टाइम के ऊपर न्यूज नहीं आई। इसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है कि स्मार्टफोन की प्राइसेस इंक्रीज क्यों की थी, आज से 6 महीने पहले अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्मार्टफोन थे वो सारे इंपोर्ट हो रहे थे। अब इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, एक वो स्मार्टफोन आते हैं जो कि टोटली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं पार्ट्स के थ्रू और यहाँ पे आके असेंबल होते हैं, और एक CKD यूनिट आता है जो कि टोटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है और पाकिस्तान में ही असेंबल होता है। अब क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो सारे ही बाहर से अपने स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करते थे, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का डॉलर है वो बाहर जाता था, और जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तो काफी लॉस होता था और दूसरी चीज हमारे पाकिस्तान में जो पैसा था वो नहीं बचता था। तो यही रीजन थी पाकिस्तान के अंदर जो FBR या PTA है इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी स्मार्टफोन बाहर से इम्पोर्ट हो रहे थे इनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन टोटली बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे या जो लोग बाहर से स्मार्टफोन इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो टैक्सेस है या जो उनकी रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको 50% तक इंक्रीज कर दिया है, 60%। लाइक अगर एक स्मार्टफोन 10,000 या 15,000 का है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वही तकरीबन 10,000 या 12,000 का बन जाता था, जिसकी वजह से उस स्मार्टफोन की जो प्राइस थी वो 15,000 वाला स्मार्टफोन 30,000 35,000 इस तरह के स्मार्टफोन की प्राइसेस चली जाती थी, क्योंकि रेगुलर ड्यूटी के अलावा भी जो दूसरे टैक्स है, सेल्स टैक्स हो गया, होल्डिंग टैक्स हो गया, तो ये सारे टैक्स लगने के बाद एक स्मार्टफोन जो था वो 15,000 वाला स्मार्टफोन आपको 30,000 32,000 में मिल रहा था। बट मैं अगर आपसे आज के टाइम की बात करूं तो ये रेगुलर ड्यूटी जो होती है एक सर्टेन टाइम के पीरियड के लिए होती है, जिस तरह से ये 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट की गई थी तो 6 महीने के बाद ये ऑटो एक्सपायर हो जाती है, जिसकी वजह से इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि यार अब पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी प्राइसेस कम होने वाली है। लेकिन आज से 2-3 दिन पहले FBR ने दोबारा ये अनाउंस कर दिया कि रेगुलर ड्यूटी जो है उसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है और स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ सकता, हत्ता चेंज आ सकता है लेकिन कमी की तरफ नहीं। अब ये प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं, तो ये खतरे वाली बात भी है और ये एक ना बहुत बैड न्यूज भी है जो कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा यूजेज है वो डॉलर के ऊपर होता है। अब ये कुछ स्मार्टफोन हैं जिनकी प्राइसेस के अंदर काफी बड़ा चेंज आया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिनमें टेक्नो, वीवो, इन्फिनिक्स और डिकॉर्ड के कुछ स्मार्टफोन्स हैं और आईटेल के भी एक दो डिवाइसेस हैं। तो मैं ये पूरी जो लिस्ट है ये आपके साथ भी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इसको भी आप जरा पॉज करके देख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्राइसेस में डिफरेंस आया है वो डिकॉर्ड के स्मार्टफोन्स में आया और कुछ टेक्नो के स्मार्टफोन्स में आया, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सबसे लोएस्ट डिवाइस है, जो कि सबसे ज्यादा सस्ती डिवाइस है, वो 15,000 से स्टार्ट हो रही है पाकिस्तानी मार्केट में। बॉक्स पैक की बात करूं याद रखिएगा। तो अगर आप भी ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन की प्राइसेस है वो कम होने वाली हैं और आगे चल के आपको स्मार्टफोन सस्ते मिलने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यार इन फ्यूचर ये सब हो और पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन है वो आपको सस्ते मिले, और ये चीज तब तक नहीं होगी जब तक हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तो आई होप सो कि फ्यूचर में ये सारी चीजें हों और अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी यार अल्लाह का खास करम हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।